तो केले की स्पेशलिटी यही है, हम भुसावल से छोटे छोटे बीज लाते हैं, उसको एक जगह पे लगा देते हैं। जब ये 10 से 15 दिन हो जाता है, थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर इनको हम उठा के खेत में लगा दें। जैसे आगे लगा है ना एक लाइन से, इनको लगभग 5-5, 6-6 फुट का गैप दे के हम खेत में लगा देते हैं। इसके बाद इसकी समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घास हैं वो ना उग पाएँ। और उसके बाद इसमें फिर धीरे धीरे जब ये और बड़े हो जाते हैं, तो इसमें हम मट्टी चढ़वा देते हैं खेत चारों तरफ, ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। और इसको समय समय पर इसमें एक ग्लाइसर दवा होती है, उसको डालते रहते हैं ताकि घास ना उग पाए। और उसके बाद जब ये लगभग लगभग साल डेढ़ साल ले लेते हैं बड़े होने में, इसमें फिर बीच बीच में इसके साइड साइड में छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, गिच्चे जैसे जिसे बोलते हैं, तो उसको कटवाते रहते हैं। पत्ती जो एक्स्ट्रा आ जाती है, पत्ती इसकी कटवाते रहते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, इसमें कांदी निकलने लगती है, तब इसमें हम कीटनाशक डालते हैं, ताकि कांदी को जो कीड़े हैं वो नुकसान न पहुँचा पाएँ। और उसके बाद जब कांदी जब थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी होने लगती हैं, तो उनको हम सहारा देने के लिए डोरी इसमें बांध देते हैं, ताकि गिरे ना। या फिर हम ये बांस की टेवकी होती है, उसको सहारा देने के लगा देते हैं, ताकि तेज़ हवा चले तो गिरे ना, नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ये जल्दी गिर जाएंगे पेड़ से, तो मार्केट बिक भी नहीं पाएंगे और नुकसान हो जाएगा काफ़ी किसान को। इसलिए हम सहारा देने के लिए इसमें डोरी दिख रही होगी, डोरी बांध लगाते हैं, या फिर बांस की लगाते हैं, ताकि गिरे ना। और जब ये तैयार हो जाते हैं, तो मैंने काट के इलाहाबाद मंडी है वहाँ भेज देते हैं, वहीं ये सब बिक जाते हैं। तो इसमें केले में सबसे ज़्यादा यूज यही है कि पानी हम समय समय पर देते रहें। और इसके जो साइड साइड छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, जिसे हम पिचा बोलते हैं, उसको काटते रहें, पत्ती इसकी समय समय पर काटते रहें, और इसको देखते रहें कि कहीं कोई पेड़ में कीड़े लग रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसको हिसाब से दवा डालते रहें। और इसको लगाने का जो समय है, इधर जुलाई और अगस्त में लगाते हैं इसको। इसके बाद साल भर लगभग ये ले लेता तैयार होने में, और अगले साल ये लगभग अगस्त सितंबर तक कटने के लिए तैयार हो जाते हैं खेत में ये। और एक कांदी लगभग इसकी 25-30 किलो तक आ जाती है लगभग। और ये मंडी में अच्छे रेट में बिक जाता है, 1500 रुपये कुंटल, 1600 रुपये कुंटल तक। एक खेत में अच्छा रेट अगर मिल जाता तो हमें 1-1.5 लाख तक की बचत हो जाती है खेत से, लगभग एक बीघा से। और अगर कोई भी करना चाहे तो उसके लिए अच्छी फसल है ये, अच्छा मुनाफा मिलता है। काफ़ी लोग हमारे गांव में इससे कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, वो काफ़ी इकोनॉमी अच्छे हो गए हैं जब से खेती केले खेती करने लगे हैं। कुमार है और केला के शुरू से बता रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर से या तो केला के बीज लाते हैं, या वो बंडा जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, लगभग उसे केला का छोटा पौधा लाते हैं, और उसे केले के अच्छे से पानी डालकर उसमें जुताई करा कर उसमें फिर 5-5 फीट के दूरी पर लगाया जाता है पूरा केला। लगभग एक बीघे में लगभग हम लोग 600 पेड़ लगा डालते हैं, 600 पेड़ लगभग लगा डालते हैं। और जब केला जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसका किनारे किनारे कटिंग की जाती है पत्तियों की, फिर धीरे धीरे उसमें गोबर हो गया, या तो गोबर हम लोग डालते हैं या कोई यूरिया खाद डाली जाती है। फिर उसमें जब और बड़ा होता है, तो उसमें पिच्चा आते हैं, केला छोटे छोटे लोग होंगे लगभग इस तरह के छोटे छोटे पिच्चा आते हैं, तो उसे हम पिच्चा कटाई करवाते हैं। तो पिच्चा कट जाता है तो और बड़ा होता है, जब केला जब एकदम जब कांदी निकलने वाली होती है, जिसमें बोलते हैं फल निकलने वाला जो केला का, तो उसमें हम लोग दवा छिड़काते हैं, नहीं तो उस वजह से लगभग कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़े की वजह से केला फल अच्छा नहीं आ पाता। तो हम लोग उसमें वो दवा डलवाते हैं लगभग उसमें उसमें फोरेट और कार्बेंडा जिम का घोल मिलाकर हम लोग दवा डलवाते हैं केले में, ताकि हमारा फल काफ़ी अच्छा आ सके। और फिर इसके लिए हम लोग जब तैयार हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग कटवा के या तो हमारे पास खुद ही लोग आते हैं, या हम लोग मंडी भेज देते हैं, जिससे हमारा उचित रेट में लगभग मिल सके जिसका दाम।